नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 94 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 4:09 पर भूकंप के झटके की तीव्रता 2.3 मापी गई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शराब माफियाओं ने एक पुलिसकर्मी की पीट पीट कर हत्या कर दी है, साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। इससे पहले कानपुर के बिकरू में भी ऐसा ही हुआ था, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया था। फिलहाल घटना के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मी के परिवार के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना प्रकट की है। सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। और वहीं सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने आखिरकार केंद्र सरकार की बात मान ली है और अब आपत्तिजनक अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हरियाणा की चरखी दादरी जिले में एसटीएफ ने एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाली एसटीएफ टीम पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जिसके बाद एसपी से मुलाकात की है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गोरखपुर में एक नवजात बच्ची का शव मिला है। शव को पॉलिथीन में लपेट कर फेंका गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में पुलिस ने एक युवक को 34,500 रुपए की नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पिछले 2 महीने से घर में कलर प्रिंटर के माध्यम से नोट छाप रहा था। उत्तर प्रदेश के बागपत में खेत में काम करके लौट रहे किसान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सोनीपत में एक युवक ने महिला की ईंट मारकर उसकी हत्या कर दिया। महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। फरार युवक की तलाश की जा रही है। और वहीं हरियाणा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश मच्छर को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद उसके शव को पानीपत के जिला अस्पताल में रखा गया। पंजाब के नाबालिग गैंग ने पंचकुला के सेक्टर 28 में ब्रांडेड स्पोर्ट्स साइकिलों की चोरी की है। पुलिस ने नाबालिग गैंग का पर्दाफाश किया। 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पठानकोट में घर के अंदर महिला का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर एक महिला का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। सूचना पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चचेरे भाई और भाभी की हत्या के मामले में 2 शातिर बदमाशों को नोएडा पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर बुजुर्ग महिला की 13वीं पर आयोजकों ने स्टेज पर बाल बालाओं के डांस करवाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। और वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिंधु की गिरफ्तारी के बाद इकबाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। जालौन में पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। लहूलुहान शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। रेवाड़ी में तेज रफ्तार स्कूल बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस ट्रॉले से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में 7 मासूम बच्चे और बस चालक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में केनरा बैंक के एटीएम बूथ में घुसे चोरों ने कैश ट्रे के हिस्से को काटकर लाखों रुपए साफ कर दिए। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में पुलिस ने 3 महिला तस्करों को 18.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला तस्कर नेपाल से जंगल के रास्ते होते हुए हरिद्वार जाने की फिराक में थी। पुलिस के मुताबिक चरस की कीमत 50 करोड़ रुपए की अधिक बताई गई। नागिन फेम अनीता हसनंदानी और उसके पति रोहित रेड्डी ने अपने बच्चे का स्वागत किया है। कपिल के घर में बेटे ने जन्म लिया है। रोहित रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और इस बात की जानकारी दी। फिल्म मेकर करण जौहर मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं। इस दौरान उनका फैशन स्टेटमेंट सबकी नजरों में आ गया है। खासकर उनके जैकेट पर लिखा हुआ कैप्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। जैस्मिन वसीम ने अली को 1 लाख रुपए से ज्यादा की स्वेटशर्ट गिफ्ट की है। उस स्वेटशर्ट को पाकर अली भी खासा खुश नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत को पहले मैच में करारी शिकस्त दी है। इस हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खेल की सराहना तो की, लेकिन साथ ही उसे आगे के मैचों के लिए भी चेता दिया। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।